भारी बर्फबारी और बारिश से पहाड़ों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं ताजा हिमपात और बारिश बागवानी के लिए अमृत का काम कर गया है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण हिमाचल के बागवानी बहुल क्षेत्रों में तमाम बागवानी से जुड़े कार्य रुके पड़े थे, चाहे पौधारोपण हो या पौधों में तौलिया बनाना। सूखे के चलते सेब बागवानों को फसल ना होने की चिंता सता रही थी, क्योंकि पौधों को आवश्यक ठंडक न मिलने से सेब पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे ही बर्फबारी हुई, सेब बागवानी के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इससे पौधों को भी जरूरत मुताबिक ठंडक मिली है और भूमि में नमी होने के कारण पौधारोपण आदि कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं। बागवानी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर जे सी वर्मा ने बताया कि काफी समय बाद बर्फबारी हुई है। ये बागवानों के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि लंबे समय से सूखा पड़ने के कारण भूमि में नमी की कमी हो गई थी। अब आने वाले समय में सेब फसल पौधों को ठंडक मिलने से अच्छी होने की संभावना है। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है, काफी समय बाद जो है क्या सूखा पड़ने के बाद जो है बारिश हुई है और बर्फबारी हुई है, ये जो है बागवानों के लिए अति लाभदायक है, क्योंकि जो है इससे जो है सेब में चिलिंग आवर्स भी पूरे होंगे, जो कि सेब के अगले साल की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इससे चिलिंग आवर पूरे होंगे और आने वाले इस साल में जो है अच्छी फसल होने की संभावना है। डंसा पंचायत के प्रधान देश कुमार हुडन ने बताया कि बर्फबारी के कारण किसानों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि काफी समय से पहाड़ों पर बागवानों को बर्फ की प्रतीक्षा थी। उन्होंने बताया कि अब सेब बहुल इलाकों में बर्फबारी अच्छी हुई है। इससे सेब के लिए जो आवश्यक ठंडक की जरूरत होती है वह पूरी होगी। इससे आने वाली फसल से भी अच्छी होगी। मैं देश कुमार हुडन, प्रधान ग्राम पंचायत डंसा, आज के साथ ये कहना चाहता हूँ, जो बागवानों में मायूसी थी मौसम को लेकर, काफ़ी बड़े समय से अक्टूबर से लेकर आज तक जो बारिश नहीं हो रही थी और स्नोफॉल इस बार नहीं आ रहा था, आज भरपूर मात्रा में पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी हुई है। इससे किसानों बागवानों के जो हर्षोल्लास है, इसलिए कि भाई जो खासकर सेब के बगीचों में चिलिंग आवर्स है वो पूरे होने चाहिए थे, आज उसमें कुछ न कुछ इजाफा जरूर हुआ है चिलिंग आवर्स में, जिससे आने वाले समय में जब सेब की फसल आएगी तो उसमें हम जो है सकारात्मक दृष्टि देख सकते हैं कि भाई अच्छी फसल होगी और किसान बागवान आज हर्षोल्लासित है कि भाई भविष्य में अब हमारे साथ जो हमारे बगीचे हैं वो अच्छी फसल से लदेंगे, ये इसी उम्मीद के साथ। आज डंसा की मीनाक्षी ने बताया कि आज बर्फबारी हुई है, इससे वे सभी बहुत खुश हैं। बर्फबारी बागवानों के लिए लाभदायक होगी, इसके लिए वे खुशियां मना रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी, मैं डंसा गांव की रहने वाली हूं। इस बार बर्फबारी बहुत अच्छी हुई है, इससे उम्मीद है कि हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। सभी बर्फबारी से बहुत खुश हैं। कराली निवासी वेद प्रकाश ने बताया कि अभी जो बर्फबारी हुई है उससे हमें काफी खुशी हुई है। पहले सूखा पड़ने के कारण लोग परेशान थे, लोगों ने पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदे थे, लेकिन नमी ना होने से पौधारोपण नहीं हो रहा था। अब ये बर्फबारी फल पौधों के लिए काफी लाभदायक होगा। मैं वेद प्रकाश, यहाँ ग्राम कराली से रहने वाला, हम अभी रामपुर से आ रहे हैं। कल मौसम ने जो करवट लिया, थोड़ा बर्फ आने से खुशी जागी है बागवानों के लिए। अभी हमारे गड्ढे वगैरह कर रखे थे, प्रोनिंग वगैरह प्लांटेशन करने के लिए मुश्किल सा लग रहा था, अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है बर्फ आने से कि बागवानी को मतलब थोड़ी चिलिंग हो जाएगी और उम्मीद है कि फसल अच्छी आएगी। और लोग अब जो है जोर शोरों से प्लांटेशन भी करेंगे, मैक्सिमम लोगों ने गड्ढे करके रखे थे, मौसम बरस नहीं रहा था, सूखा पड़ा है जी, तो अब